बुधवार को नेहरू नगर भिलाई में शिक्षाविद आईपी मिश्रा के निवास पहुंचे द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी। सदानंद सरस्वती महाराज ने धर्म परिवर्तन को लेकर कहा कि जो सुविधाएं धर्म परिवर्तन कराने वाले देते हैं, अगर वे सुविधाएं उन व्यक्तियों को शासन देने लगे तो निश्चित तौर पर धर्म परिवर्तन बंद हो जाएगा। जगतगुरु स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हम मानते हैं कि सड़क आदि सुविधाओं का व्यापक विकास हुआ है, लेकिन बहुत से गांव और जिले हैं जहां बहुत से लोगों को मौलिक सुविधाएं अभी भी नहीं मिल पा रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी ही जगहों पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की शिकायतें देखी जाती है। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों और धनाढ्य समाज सेवियों द्वारा अगर कुछ सुविधाएं ऐसे क्षेत्रों में दी जाए तो भी धर्म परिवर्तन के मामले खत्म हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो धर्म किसे कहते हैं वह समझना चाहिए। जिसका जो धर्म है, यदि हम हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हमें अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। फिर धर्म का पालन करने का उपाय हमें मालूम होना चाहिए, क्या पद्धति है, धर्म का पालन कैसे करें। एक एक काम संसार के सारे मनुष्य जान जान करके करते हैं। आप लोग भी किस विद्यालय में, किस गुरुकुल में, किस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ अपने बालकों को प्रवेश करते हैं, प्रवेश कराते हैं। तो ज्ञान है ना आपको, आप अज्ञानी नहीं हैं। केवल धर्म के विषय में अज्ञानी बनते हैं, उसमें भी अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी बनते हैं हम। इसलिए ये विचार और विवेक, हमारा चिंतन बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और धर्म के परिणाम का बोध होना चाहिए। धर्म पालन से क्या प्राप्त होता है, जब हमें यह मालूम पड़ जाता है, हम पाँचवीं क्लास से छठवीं में क्यों जाना चाहते हैं, आठवीं से नौ में क्यों जाना चाहते हैं, स्कूल छोड़कर कॉलेज क्यों जाना चाहते हैं। सबका फल आपको पता है, सबका परिणाम आपको पता है, क्या प्राप्त होने वाला है यह भी पता है। इसी तरह से धर्म से जो वस्तु प्राप्त होने वाली है, धर्म पालन से जो वस्तु प्राप्त होने वाली है, उसका नाम है सुख, शांति और आनंद। इसलिए धर्म पालन सबको करना चाहिए। सुख चाहिए ना, सभी को सुख चाहिए, तो सुख धर्माधीन है, पूरे देश में हो रहा है, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, हमारे 30 राज्यों में से 10 राज्यों में धर्म परिवर्तन का जो षड्यंत्र है वो चल रहा है। इसके लिए काफ़ी जागृति आई है और आना चाहिए। इसमें सरकार का और समाज का, समाज में जो संपन्न लोग हैं उनका हमें साथ चाहिए। रुकेगा, रुक भी रहा है, लेकिन जागरूक तो करना पड़ेगा, बताना पड़ता है लोगों को, लोग नहीं समझते हैं। सबसे पहले धर्म परिवर्तन करने वाले को यह विचार करना होगा कि हम जिस धर्म में हैं उस धर्म का दोष क्या है। गुण और दोष का निर्णय अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने धर्म को, मूल धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे उसका त्याग कर सकते हैं। फिर जिस धर्म में आप जा रहे हैं उस धर्म में क्या विशेषता है, उसके गुण क्या है, तो क्या गुण और दोष दोनों का निर्णय करने की बौद्धिक योग्यता हमारी है। यदि नहीं है तो निश्चित है कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, प्रलोभन दे करके, लोभ दे करके, किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही लोग धर्म परिवर्तन किया करते हैं। वही छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर जगतगुरु स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि नशा बुरी चीज़ है, नशा करने के बाद व्यक्ति का स्वाभाविक ज्ञान नशे की वजह से नष्ट हो जाता है, इसलिए शराब जैसे नशे को बंद करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। उपाय है, करना चाहे तब ना। सबसे बड़ा उपाय तो क्या है, किसी धर्म की सुरक्षा, किसी धर्म की स्थापना, किसी धर्म का पालन, यथा राजा तथा प्रजा, ये आप लोगों ने सुना होगा, राज्ञी धर्मणि धर्मिष्ठाः पापे पापः समेषमाः राजानम् अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा हमारा धर्मात्मा होना चाहिए, एक। दूसरा, धर्म परिवर्तन में जितने भी कानूनी दांव पैच हैं उन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। केवल एक नियम कि कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, ऐसा मान करके हम शांत बैठ गए, लेकिन प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करवाना ये भी तो एक तरह का षड्यंत्र है। तो
जो काम धर्म परिवर्तन वाले जो सुविधाएं वो लोग देते हैं, वो सुविधाएं अगर उन व्यक्तियों को शासन देने लगे तो वो धर्म परिवर्तन करेंगे ही नहीं। झारखंड में आप चले जाएं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ जिलों में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी है, और प्रत्येक प्रदेश में दो चार जिलों में ये घटनाएं हो रही हैं। प्रायः प्रत्येक प्रदेश में चार पांच जिले हमने जो सर्वे करवाया है उसके अनुसार, तो यदि उन व्यवस्थाओं पर उनकी जो आवश्यकताएं हैं जीवन यापन के लिए जो कुछ चाहिए, यदि उनको शासन देने लगे, बड़े लोग देने लगे, बड़े लोग भी बड़ी जगह दान करते हैं, नाम चाहिए, यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, अखबार में नाम चाहिए, टीवी में नाम चाहिए, तो बड़े लोग भी बड़े जगह ही देते हैं, तो उनकी आवश्यकताएं वास्तव में हैं। गांव-गांव जब चलेंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, सब जगह जाते ही होंगे, जाना ही चाहिए, तो आप वहां देखेंगे कि वास्तव में अभाव है। बहुत कुछ विकास हुआ है ऐसा नहीं कह सकते हैं, सड़क वगैरह का निर्माण वगैरह का हुआ है, लेकिन उनकी मौलिक सुविधाएं अभी भी बहुत से गांवों में नहीं है, बहुत से जिलों में नहीं है, ऐसे गांव जिले हैं, तो उनकी पूर्ति अगर शासन के द्वारा होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं उनमें से उस कंपनी का जो भाग निकलता है अगर वो उन क्षेत्रों में जाने लगे जो वास्तव में NGO हैं, सेवा करने वाले ट्रस्ट हैं, संस्थाएं हैं और समितियां हैं, उनको प्राप्त होने लगे, तो उनके माध्यम से अभावग्रस्त लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं, तो धर्म परिवर्तन वो नहीं करेंगे।